इंकलाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, स्टूडेंट यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत को ऑफिस में हम सब लोग जमा होने का मकसद ये है कि एक रूल कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी से एक रूल आया है जो सडन रूल का आज लास्ट डेट यानी कि दो दिन पहले एक रूल लाए हैं वो लोग कि एग्जामिनेशन जो हमारी एग्जाम से सीट अलॉट होती है इंजीनियरिंग सीट उसमें फ़ी हाइक किए हैं 10,000। तो ये एक अचानक फ़ी हाइक करना अफोर्डेबल नहीं है, कोई पे नहीं कर सकता इमीडिएट विदाउट इंटीमेशन ये लोग फ़ी हाइक किए हैं। तो इसके खिलाफ हम सब लोग मिलकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किए हैं विधानसभा में, हम इस रूल के खिलाफ हैं। तो हम आपके जो नोटिस है हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि कर्नाटका एग्जामिनेशन एजुकेशन बोर्ड से कि आप लोग ये रूल को विड्रॉ कीजिए, आपके नोटिस को विड्रॉ कीजिए बस। और अचानक ये कोविड के बाद फर्स्ट वेव सेकेंड वेव के बाद लोगों के हालात नहीं हैं पे करने के, फीस कोई अफोर्डेबल नहीं कर सकता, अचानक से फीस हाइक करना। तो आप लोगों की डिमांड है? हम लोगों की डिमांड यही है कि फीस को हाइक मत कीजिए, क्योंकि देखिए एक मिडिल क्लास ये सिचुएशन को सिर्फ वही स्टूडेंट फेस कर सकता है जो मिडिल क्लास हो और जो पुअर है, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ का है, जो अब तकरीबन और प्लस इंजीनियरिंग के जो कॉलेजेस की टाइमिंग है वो भी एक्सटेंड किए हैं। तो ये एक इनह्यूमन है, हम लोग इसको नहीं मानते ये चीज़ को। कल के दिन में नहीं माने तो क्या करने वाले आप लोग? हम लोग इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे सब स्टूडेंट्स को लेकर मेजॉरिटी में। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन या IDSO स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज पूरे ऑल ओवर कर्नाटका में स्टूडेंट्स डिमांड्स डे हो रहा है। आप लोग जानते हैं रिसेंटली 3 डेज बैक एक KEA से सर्कुलर आता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो अभी एडमिशन कराने वाले हैं कल उनका लास्ट डेट था, लास्ट डेट से ठीक 2 दिन पहले एक सर्कुलर आता है कि गवर्नमेंट फीस 10,000 बढ़ा दी गई है, साथ ही साथ जो मैनेजमेंट फीस है वो 20,000 बढ़ा दी गई है स्टूडेंट्स की। आप ही सोचिए हम किस दौर से गुजर रहे हैं, आफ्टर कोरोना तो खाने के लिए भी मोहताज है, साथ ही साथ इस बार बारिश की वजह से ज़्यादा बारिश की वजह से हमारी 70% क्रॉप लॉस हुई है पूरे कर्नाटका में, गवर्नमेंट डाटा ही बताता है। तो ये जो ईयर चूज़ किया है KEA ने गवर्नमेंट फी बढ़ाने के लिए इट इज़ कम्प्लीटली इल्लीगल विषय, क्योंकि थोड़े ही दिन पहले प्राइवेट मैनेजमेंट फीस नहीं बढ़ाएंगे बोल के सर्कुलर आया था, तो फिर अभी ये फीस बढ़ाने की बात करते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली इनह्यूमन डिसीजन एंड इलीगल डिसीजन। दैट्स व्हाट IDSO स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और पूरे ऑल ओवर कर्नाटका में जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है ये सारे इस डिसीजन को हम विरोध करते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने अगर फीस नहीं कम की और जो 10 घंटे क्लासेस लेने की इनकी मांग है, अभी भी जो सिलेबस पढ़ा जा रहा है उसकी वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ही प्रेशर है, नॉट ओनली स्टूडेंट्स इवन लेक्चरर्स को भी प्रेशर है। तो इसीलिए फीस इमिडिएटली कम कीजिए, साथ ही साथ जो 10 आवर्स बढ़ाने की मांग है उनकी वापस ले लीजिए बोल के IDSO का मांग है। अगर नहीं लिया गया तो इससे भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से प्रोटेस्ट को गवर्नमेंट को फेस करना पड़ेगा बोल के बोलना चाहेंगे शिल्पा बी के IDSO डिस्ट्रिक्ट कमिटी मेंबर। इवत्तु ना इडी राज्यदंत नम संघटने IDSO ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन राज्य मटद होराट के करे कोट्टिद्वि, याकंतंद्रे इवत्तु एकाएकि सरकार हेळुत्ते KEA हेळुत्ते 10,000 ನ ಫೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಫರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 70% ಕೂಡ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇರುವಂಥ ಫೀಸ್ ಏನು 23,000 ಇದೆ, ಅದೇನೇ ಇವತ್ತು ಭರಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜನಗಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ನೀವು 10,000 ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಯಾರು ಹಿತದೃಷ್ಟಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದೋಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರುವಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು 10 ಗಂಟೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗಿರುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಮತ್ತು ಈಗಿರುವಂಥ ಅವರ್ಸ್ಗಳೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಲೆ ಇವತ್ತು ಕುಕ್ಕರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲಾಸು 5 ಕ್ಲಾಸು ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇವೆರಡೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹಂತದ ಹೋರಾಟನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇ ಪಾಸ್ ಉತ್ನೆ ಪೈಸೆ ಕಿಸ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಭೀ ನಹೀ ಹೈ ಜೋ ಕೋವಿಡ್ जो सेकेंड वेव आया था लॉकडाउन सेकेंड लॉकडाउन आया था जो कर्नाटका में उसकी तरफ से बहुत जो बिज़नेस हैं हर किसी के बिज़नेस किसके भी एक के नहीं बोल के नहीं हर किसी के बिज़नेस जो है कम हो गए हैं ये फीस किन किन चीज़ों में बढ़ाई गई है फीस बढ़ाई गई है हर चीज़ में बढ़ाई गई है इंजीनियरिंग लेवल पॉलिटेक्निकल और हर इसमें जितने भी गवर्नमेंट कोटा निकालती है गवर्नमेंट उसमें 10,000 की इंक्रीज की गई है क्या बात है क्यों निकाला गया 10,000 रुपये हम कहाँ से लाएं इतने पैसे हर कोई कहाँ से लाए 10,000 क्यों लाए और थोड़े जनों की स्कॉलरशिप भी नहीं आई अभी एनएसपी और एसएसपी की लेट इतनी लेट करे थे कि वो फॉर्म भरते टाइम पर बहुत लेट करे थे अब एनएसपी के टाइम पे हम लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आई हम लोगों की तकरीबन हमारे बैच में 108 केबीएन स्टूडेंट केवीएन यूनिवर्सिटी में 108 स्टूडेंट्स हैं उसमें से खाली 30% लोगों को आई 29 जनों को स्कॉलरशिप आई वो स्कॉलरशिप भी दूसरे जनों को आई नहीं फिर हम लोगों का कैसा भरना ये बोलिए आप